ये हम लोग हुंदा से निकल चुके हैं, हम लोग बथोरा ग्लेशियर जा रहे हैं और फिर करीमाबाद बाजार भी जाएंगे, तो सारा कुछ दिखाएंगे। अभी गाड़ी में बैठे हैं, नाश्ता कर लिया था, नाश्ते की साथ में देख ली होंगी। तो तो जी ये रास्ता हॉबर वैली को निकलता है, जो कि स्टार्टिंग में मोस्टली आपको ऑफ रोड मिलेगा, लेकिन आगे जाके ये पेव्ड रोड आ जाएंगे जो पक्के पैचेज होते हैं। पैचेज नहीं, काफ़ी ज़्यादातर रोड पक्के ही हैं। तो हॉबर वैली हुंजा वैली से 21.5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पहुँचने तक कोई 1-1.5 घंटा लग जाता है आपको। बाकी रोड कोई इतना ख़राब नहीं है कि आप लोगों को कोई 4x4 ही ले जाना ज़रूरी हो, कि हम लोग भी नॉर्मल गाड़ी में गए थे जो फ्रंट व्हील ड्राइव है। बाकी रोड बहुत अच्छा है आगे जाके, थोड़ा बहुत ऑफ रोड तो हर जगह चलता है, क्योंकि यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग बहुत होती है, क्योंकि कच्चे पहाड़ हैं और जहाँ कच्चे पहाड़ होते हैं वहाँ ज़रा सी हवा तेज़ चल जाए या फिर बारिश हो जाए तो लैंड स्लाइडिंग होना मस्ट है। क्योंकि आपको साइड में पत्थर पड़े नज़र आ रहे होंगे, अंदाज़ा भी हो रहा होगा उससे। तो ये सारा रास्ता ऐसा ही है, बाकी आप नज़ारे चेक करें, नज़ारे देखें, और बाकी बात बथुरा ग्लेशियर जैसे पहले होती है। अभी हम लोग रुके हैं हुपर वैली, इसके बाद हम लोग कोई जो बथोरा ग्लेशियर उसके थोड़ा चलना पड़ता है, तो वहाँ चलेंगे, उसका रास्ता भी दिखाएंगे। अभी यहाँ पीछे एक दरख्त है बड़े प्यारे लाल से, मैं तो वो तोड़ रहे हैं पहले, तो आप ही देखेंगे। अंदर जाके बनाएंगे ना, उस्मान भैया जो मेरे एक दोस्त नसीर चौधरी, नसीर दोस्त हैं मेरे पबजी के, उनमें बहुत मिलता है।
So, Nasir bhai, if you are watching, तो ये देखें आपको ट्विन मिल गया मुझे. उसमें भाई वो वाला कौन सा है पहाड़ है, वो रकाबुशी है? रकाबुशी जो हमारे होटल से नजर आता है वो था. यहाँ पे सबकी सांस फूलेगी देखिएगा. हम लोग पूरा रास्ते से चढ़ कर आए हैं. यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है. बतौरा ग्लेशियर की जगह जा रहे हैं. वहाँ पूरी बर्फ है, हम वहाँ भी जाएंगे. मतलब बर्फ है पता, मुझे नहीं पता अभी. और टाइम हम यहाँ रुक रहे हैं, सब आ जाएंगे, फिर सबके साथ जाएंगे. यार बर्फ तो नहीं है, कुछ और ही है. ये नीचे है, हम लोग यहाँ पर एक व्यू पॉइंट पर रुके हुए हैं. एक व्यू पॉइंट वो सामने है, वहाँ थोड़ी लंबी वॉक है. अगर मुझे परमिशन मिलती है मैं शायद जाऊँ अकेला, देखते हैं. बाकी बथुरा ग्लेशियर के व्यूज चेक करें. ये बथुरा ग्लेशियर है सारा, ये सारा 400 साल पुराना है. ये ऊपर से हमेशा जमा रहता है और नीचे से पानी निकलता है, वो निकलता ही निकलता है, लेकिन ऊपर से जमा ही रहता है 400 साल से ही ऐसा ही है. और इसके पीछे, इन पहाड़ों के पीछे कोई लेक है, वहाँ 2 दिन की ऐसे वॉक करने के, 2 दिन वॉक करोगे फिर जाके पहुँचना है. लेकिन हम लोग जा सकते हैं तो इसलिए हम लोग यहीं पर आएंगे. तो एक ऐसा नीचे आ रहा है, नीचे से अच्छा भी है, तुम ट्राई करने जा सके. और वो देखें, वो देखें लोग गए हैं शायद. आपको छोटा नजर आ रहा है, आपको कितने छोटे छोटे नजर आ रहे हैं आगे साहब लोग. ये वो शायद ये बंदा एक खड़ा हुआ है, नीचे गया हुआ है. लोग घोड़ा उड़ा नहीं आता, घोड़ा जाना चाहिए. अच्छा तो पहाड़ के उस तरफ एक है लेक, रश लेक, उसका ट्रैक बहुत लंबा है. 4-5 days. और केटू का व्यू पॉइंट देखो, सब यहाँ पे लिखा हुआ है. केटू का बहुत दूर है यहाँ से, क्या हो गया केटू? केटू है कहाँ? मुझे क्या पता, मैं कोई ज्योग्राफी हूँ तो इससे नीचे जाएगा सोच नहीं रहे हम लोग. बड़ी ख्वारी है भाई, कौन जाए. बाकी वहाँ 2 लोग खड़े नजर आ रहे हैं मुझे. थोड़ा ग्लेशियर से जा रहे हैं बलतत फोर्ट और अलतत फोर्ट, तो वहाँ जाके मतलब क्या बाकी बात होती है. तो हो सकता है व्लॉग थोड़ी लंबी हो, लेकिन भाई पूरी देख लेना, वर्थ इट है. बहुत अच्छी जगह दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देख लेना. बाकी चलो चलते हैं, वापस जा रहे हैं. खाला चले आने. तो जी, जो बलतेज फोर्ट की कार पार्किंग तक का जाने का रास्ता है गाड़ियों का, वो बड़ा ख़तरनाक है. जो स्टीप चढ़ाई है ना, जो गाड़ी में चक्कर नहीं होती है, वो मुझे बड़ी ख़तरनाक लगी. और बाकी बलतेज फोर्ट तो इतना ऊपर है भाई, पता नहीं कैसे जाती थी फौजें ऊपर. इतनी ख्वार फौज थी, इतने ख्वार सोल्जर, इतना चढ़ते थे यार. पीछे देखा वो यहाँ इतना चढ़े कैसे, वो साइडों में गिरने लगा बेचारा. जो स्काई ब्लू शर्ट पहना तो मेरा कज़न है छोटा, आगे मैं जा रहा हूँ और मेरे खालू ये आ गया यहाँ दोबारा साइड में, ये भाग रहा है और अब दोबारा आगे जाके कहीं ना कहीं गिरेगा या फिर बैठ जाएगा. खालू ढूंढ रहे जगह बैठने के लिए, और मुझे भी मजबूरन, मैं थका नहीं लेकिन मुझे ही बैठना पड़ा. बाकी ऐसे ही हम मैं मेरे खालू गप्पे मारते हुए चलते गए चलते गए चलते गए, और फिर एट अ पॉइंट हम लोग कोई दुकान वकानों पर रुके. फिर ऊपर जाके हम बलते फोर्ट पे ही रुके, पीछे खाला वगैरह आ रही थी. बाकी बलते फोर्ट चढ़ना एक अजाब है, ये स्टीप सीढ़ियाँ, सांस फूल जाती. तो हल्के हल्के यहाँ पे सीट्स बनी हुई हैं, हल्के हल्के हम तो बैठ बैठे सब लोग आराम आराम जा रहे हैं. बाकी रास्ता आप लोग भी देखें, मैं भी देखता हूँ.
सांस तो फूल रही है आराम से, मैं मेरी इतनी फूल रही है यार। मैं ले आ गया बस यहाँ पर है, हाँ जाने वाले बल्दे फोर्ट आ गया, शुक्र है अल्लाह का। चले होपफुली इसकी एंट्री खुली हो, चलते हैं। तो जी यहाँ पे हम लोग ये टोपी वगैरह लेने के, क्योंकि मेरे पास तो है लेकिन मैंने एक और लेनी है, दोस्त वगैरह देखूँगा अगर मिली तो ऐसे ही, और बाकी यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मिलता है। बाकी बल्दे फोर्ट में भाई रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं थी इसलिए लेने की। तो जी बल्तित फोर्ट के बाद हम लोग निकल गए ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट के लिए, जो कि सनसेट के वक्त नज़ारों के लिए बहुत फेमस है और लोग सनसेट देखने ही जाते हैं, और हम भी सनसेट देखने ही गए। और बाकी ये वीडियो इसलिए ऐसी आ रही है गाड़ी के अंदर से, क्योंकि मुझे पीछे बैठना पड़ा, क्योंकि मेरे एक छोटे कज़न ने और छोटे भाई ने मुझे आगे बैठने नहीं दिया। तो ये वीडियो है, गुजारा करें, और यार अच्छी तो है, काम चलाएं इससे। बाकी रास्ता एंजॉय करें, रास्ते ये भी जो पहाड़ है, ये जो नोकीला सा है, इसे लेडी फिंगर बोलते हैं, जिसको नहीं पता उसको बता दो। कल यहाँ से रास्ता है जाने का ऊपर, हेलो हेलो, ये सामने सनसेट हो रहा है, ये वही लेडी फिंगर वाली जो बात थी, सही है। और ये हम जा रहे हैं पर यहाँ जाके फील हो रहा है मैं पहाड़ों चढ़ सकता हूँ, कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ये वाला शौक भी पूरा करूँगा यार। सिंगा अब एक दफ़ा सिंगा मैंने माउंट ट्रैकिंग करनी है यार, इट्स टोटली वर्थ इट सच्ची में। अनीस आ जाओ, आ जाओ अनीस, नहीं वो पहाड़ चढ़ चढ़ के आए, और ये बिल्कुल सीधा रोड है, सीधा रोड नहीं मतलब प्लेन मैदान है, मैं वहाँ बैठ कर सीख जाऊँगा। उस्मान भाई को भाई बढ़िया है, पता है वो बोल रहे हैं यहाँ नहीं और आ गया, लेकिन यहाँ तस्वीर खिंचवाऊंगा, ये जगह अच्छी लगी यार। ये बिल्कुल पीक का एंड है, अब उस्मान भाई से फोटो खिंचवाएंगे हम। ये देखिए ये पूरा वो ईगल व्यू पॉइंट है सामने, असल में देखने में बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ पे, बट मैं फ़ोन से ब्लॉक कर रहा हूँ, कैमरा नहीं है तो इसलिए इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा। तो ये चारों तरफ हमारे स्नो कैप माउंटेन्स हैं, वहाँ जहाँ सूरज है वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और वो वहाँ पर भी, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ ही ज़रा फोटोज ले रहे हैं, यहाँ वो अंकल भी फोटोज ले रहे हैं, सब फोटोज ले रहे हैं, मैं अकेला ब्लॉक कर रहा हूँ लेकिन मैं ही फोटो दूँगा। वहाँ जाके देखें क्या है, यहाँ पहले परमिशन देता हूँ। तो जी यहाँ भी कवर रखी हुई है, एडवेंचर हो जाएगा हाँ सही, हाँ डायरेक्ट चलेंगे यहीं से ऊपर, यहाँ से पूरा हंजर नजर आ रहा है, वो ये पूरा हंजर पूरा हंस है, यहाँ देखते हैं ऊपर जाके, मैं फिर बाद में फोटो खिंचवाऊंगा। अभी देखें कितना प्यारा लग रहा है वो सामने, सारा वो सामने कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, फुली कुछ हो ना, तो यहाँ मैं अकेला सबसे अकेला मैं खड़ा हूँ, और वहाँ एक अंग्रेज कपल बैठा हुआ है, ये वो ये एक अंग्रेज कपल है भाई, मैं इधर आ गया। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ड्रोन का इस्तेमाल बिल्कुल मना है, तो यहाँ आ सकते हैं।
ओ भाई ये पहाड़ यहाँ पे ये वाला ख़त्म हो रहा है लेकिन इसके आगे और पहाड़ हैं। अच्छा मैं इकलौता यहाँ पे आया हूँ, बाकी इसको यहाँ पर नहीं है, यहाँ चल के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं हम लोग चाहें तो। तो ये देखें बहुत अच्छी गेम्स हैं यार, प्यारी जगह है। फोटो तो सब हो गई, हम वापस जा रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट होटल जाएंगे और फिर खाना वाना खाएंगे। तो जी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि ये वीडियो की जो क्लिप्स हैं वो डिलीट हो गई हैं, मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ गई। तो इसी वजह से ये ब्लॉग यहीं एंड होता है और जो क्लिप्स गुम हुई या डिलीट जो भी हुई हैं वो होटल की थी, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। बाकी आई होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग और यस, और बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। और बाकी इस ब्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।